एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस? आप सब गाइस, अगर आपके घर है फैमिली फंक्शन या फिर आपने जाना है कहीं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में, तो ऐसे में एक चीज बहुत ज्यादा बॉदर करती है, वो क्या है? आपके हैं हेयर्स, यानी कि आपके अनवांटेड हेयर्स, जिनको रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा हैक्टिक, और ये कह लो कि वैक्सिंग जैसा प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल सा रहता है। तो ऐसे में जो है ना, मुझे नजर आया है एक इतना अमेजिंग, बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट, जिसको मैं खुद से यूज कर रही हूँ बहुत लंबे टाइम से। और न्यूट के इस हेयर इनहिबिटर की मैं बात कर रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ बहुत टाइम पहले, इस पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। आज फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर शेयर करने वाली हूं। इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली 2 or 3 months तक यूज करने से आपकी अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, और धीरे धीरे जो आपके हेयर्स हैं, अनवांटेड हेयर्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बजट में है ये पूरी तरह से, और क्यूट सी पैकेजिंग में ये आता है। बॉक्स पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, दिस काइंड ऑफ बॉटल गाइज यू विल रिसीव, ठीक है, बहुत ही क्यूट सी ग्लास बॉटल है, पंप स्टाइल में है ये प्रोडक्ट। मेरी ये तीसरी बॉटल है, सीरियसली एक बॉटल मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट भी की थी, उसको भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, फिर उसने खुद से बाय की। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपने इसको यूज कैसे करना है? यूज करने का जो तरीका है बहुत ईजी है। जिस भी पार्ट से आप चाहते हो कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है ना वो रिड्यूस हो जाए, तो वहां से पहले आपने अपने हेयर्स को रिमूव करना है। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपके आर्म्स के जो हेयर्स हैं वो मतलब उसकी ग्रोथ जो है ना कम हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, और धीरे धीरे हेयर आना बंद हो जाए, तो आपने क्या करना है, पहले तो उन हेयर्स को आपने या तो वैक्सिंग से या फिर क्रीम से, किसी भी प्रोसेस से, जिस भी प्रोसेस को आप फॉलो करते हो, उससे उन हेयर्स को रिमूव कीजिए, ठीक है, क्लीन कर लो। आपके हेयर्स रिमूव हो गए, आपने स्किन को वॉश कर लिया, पैट ड्राई कर लिया, उसके बाद इस प्रोडक्ट को आपने लेना है। जैसे कि थोड़ा सा लेकर दिखाती हूं मैं आपको, इतना प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और जितने एरिया पर आपके हेयर्स नहीं हैं वहां लगाकर इसको अच्छे से आपने मसाज देनी है। मसाज तब तक देनी है जब तक कि ये जो क्रीम है, लोशन जो है, आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो जाता। अच्छे से मसाज दीजिएगा, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना। आपने इसी तरीके से जो है ना 2 से 3 महीने इसको लगातार लगाना है। मैंने खुद से इसको यूज किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लगा है, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप भी इसको बेझिझक ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपने इसको यूज किया, ओके, लेकिन जब आपकी हेयर की ग्रोथ दोबारा से आने लगेगी, न्यू ग्रोथ जब आने लगेगी, तब आपने इसको लगाना बंद करना है और फिर से अपने अनवांटेड हेयर्स को या तो वैक्स से, क्रीम से, जिससे भी करते हो उससे रिमूव कीजिए। अगेन ये क्रीम आप दिन में 2 बार लगाना स्टार्ट कर दो कॉन्टिन्यूसली। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि 3 or 4 months लास्ट है आपके, 2 महीने तो मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप 4 महीने तक भी इसको कंटिन्यू करते हो ना, तो आपके हेयर ग्रोथ एकदम गायब हो जाएगी। आप कहोगे हमारी स्किन में हेयर्स है ही नहीं, और स्किन को बार बार जो है ना इन हेयर्स की प्रॉब्लम को हम लोगों को फेस भी नहीं करना पड़ेगा, वैक्सिंग ये वो कुछ भी नहीं कराना पड़ेगा, परमानेंटली रिड्यूस हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको जरूर जरूर इसको बाय करना चाहिए। ये हार्मफुल केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है, कोई केमिकल इसके अंदर नहीं ऐड किया हुआ। www.evertinenew.com वेबसाइट से भी आप इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हो, नहीं तो ये Amazon, नाइका और साथ साथ Flipkart पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से भी इसको ले सकते हो। तो ठीक है गाइज, ये प्रोडक्ट जो है ना मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि मेल यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो मेल भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी इसको यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक चेक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी आपको फिर से अनदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपने इस वीडियो को करना है लाइक, कमेंट एंड साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। बाय, टेक केयर।